जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति, आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, हमने बात करी सक्सेस की फाउंडेशन क्या होती है, सक्सेस क्या चीज़ है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें लेने चाहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। ओम शांति। सर, हमने बात करी कि सक्सेस की जो फाउंडेशन है वो कई चीज़ों पर टिकी हुई है, जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो इसके बाद अब हमें ये पता लग गया कि एक्सेप्टेंस है, हम फ्लेक्सिबल हैं, वी आर रेडी टू यू नो स्टार्ट अ न्यू वेंचर और मे बी अ न्यू जॉब और कुछ हम करना चाहते हैं लाइफ में। अब व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? या एक बार आपने गोल्स भी डिसाइड कर लिए कि भाई ये गोल्स अकॉर्डिंग टू नो जो हमने सारा डिस्कस किया, फिर आपने अपने फाउंडेशन को भी ठीक कर लिया, तो फिर कहेंगे कि उसमें कई स्टेप्स है। वो फर्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट है, जिसको कहेंगे कि टू प्लान फॉर समथिंग एंड ऑल्सो नो टू डू स्ट्रेटेजिक रिसर्च कि भी जितना आप आगे पहुंचना चाहते हैं उतना वो आपका प्लानिंग भी बड़ा होगा, उतनी जो रिसर्च है वो भी अधिक होगी। नहीं, आपको कुछ छोटा सा करना है तो छोटी बातें होगी, है ना। कोई स्टार्टअप है, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो फिर उनको स्ट्रेटेजिक रिसर्च भी अच्छे से करनी पड़ेगी कि मार्केट में दूसरे भी है, उनके कॉम्पिटिटर्स भी है और लोग भी है, या राइट है या नहीं। कई बार तो ये भी गलती होती है, जैसे ना कि भी एक बार हम लोगों को एक हॉस्पिटल बनाने की थी, तो थोड़े ना आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे वी वर सर्चिंग, तो जैसे अभी एक जगह पे उन्होंने बहुत बड़ा जैसे ना कहते हैं ना गेटेड कम्युनिटी, बहुत बड़ी जमीन से 300 एकड़ ऐसी जमीन ले ली, फिर उन्होंने बंगलोस के प्लॉट बना दिए है ना, और फिर वो बेचे उसने। तो वहां हम लोग गए, उस व्यक्ति को मिले और ही बिकेम वेरी फ्रेंडली और साथ में डिस्कस करने लगा। फिर बात बात में उसने बोला, देखो डॉक्टर कि भी आई एम सक्सेसफुल हियर क्योंकि मैंने पूरा समझ के प्लानिंग से किया, लेकिन मेरे बाद है ना बहुत लोग ऐसे आए, सोचा कि इसने किया ना हम भी करेंगे, तो सारे अटके हुए हैं उनको परमिशन सी नहीं मिल रही है। वो है ना, उसके लिए परमिशन मिलनी चाहिए, एक तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो, फिर अभी आप बंगलोस बना सकते उसकी परमिशन। कहते कि वो सारे अटक गए, लोगों के बहुत सारे पैसे भी डूब गए। तो क्या हुआ, ये देखा देखी किया उन्होंने, हाँ जी, इस व्यक्ति ने बनाया, ये तो सिंपल सा आदमी, इसने जमीन ली, इसने प्लॉट्स बना लिए, यहाँ लोगों ने अपने बंगलोज बना लिए, तो हम भी करेंगे। लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, सब कुछ उन्होंने रिसर्च नहीं की थी तब कि मार्केट कैसे है, क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, देयर आर मेनी फैक्टर्स, तो इसके कारण वो लोग अटक गए। ऐसा बहुतों में हो सकता है। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें, सिर्फ प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अब मैंने ये देखा कि बिजनेस स्टार्ट करना है, मार्केट मेरी ये है, मुझे ये काम अच्छा लगता है, तो व्हाट आर द थिंग्स कि मुझे ध्यान रखनी चाहिए व्हेन आई प्लान फॉर गेटिंग टुवर्ड्स माय गोल? तो आप अगर कुछ कुछ चीजें बताइए। जिस एक्चुअली तो इट कैन बी हैव अ मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन तो भी अगर मोटा मोटा बताना हो तो प्लानिंग तो ये करना चाहिए कि भाई जो मेरा गोल है, फॉर एग्जांपल कि भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल सेटअप करनी है, या तो और कोई किसको कुछ इंजीनियरिंग फर्म्स बनानी है और कुछ नया ही करना है, जैसे भी नहीं जस्ट डायल है, देखो आप तो नो, वो तब नहीं था, अभी उबर ओला भी आया तो देवर नॉट देयर अर्लियर, है ना, कि भी किसी ने वो प्लानिंग की प्रॉपरली,
और प्रॉपरली प्लानिंग की तो वो आज सक्सेसफुल मॉडल्स है एक प्रकार से ना। तो वो चीजें अगर एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल कि भी किसको दवाई मैन्युफैक्चर करनी है, तो वहां पर उसे वो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भी इसकी मार्केट क्या है। ऐसा नहीं कि भी कोई और कंपनी बना रही है उसकी दवाई चल पड़ी है तो मेरी भी चल पड़ेगी ना, कि भी वो कितनी उसकी मार्केट है, नीड्स क्या है ना, कंज्यूमर्स कौन है और कितनी कंपनियां इस मेडिसिन को बना रही है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें। कोई बिजनेस हो तो भी उसके बारे में उसको सारा वो प्लान करना चाहिए कि भी और भी कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपली कि भी कोई आप शोरूम बनाना चाहते हैं तब भी वो प्लानिंग होगा कि भी उस एरिया में क्या उसकी जरूरत है, या तो आसपास में दूसरे भी चार उसी प्रकार के शोरूम है, बीच में आप भी आ गए तो यू मे नॉट कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, यू मे नॉट बी सक्सेसफुल। हाँ, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है ना, हमारा हमारी जगह कौन सी है, एक्सपोजर क्या है और मैं कैसे उसको नहीं चलाऊंगा। कई चीज एकदम सिंपल नहीं होती है, कई बार तो हम बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि भी हम है ना भी उसकी प्राइस को कम कर देंगे हमारे कॉम्पिटिटर से, आप उल्टा उसमें लॉस में जा सकते हैं और फिर पता चलता है कुछ समय के बाद कि अरे अभी तो बहुत बड़ा लॉस है इसके अंदर, है ना, आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो। मैंने इसमें कई बार एक चीज देखी, जैसे अगर हम कुछ नया स्टार्टअप भी करते हैं तो हमने सोचा कि हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ जिनको जैसे हम एम्प्लॉइज को लेकर आते हैं, चाहे छोटे लेवल पे भी हम अगर कुछ स्टार्ट करते हैं, आपस में ही नहीं बनती। मतलब हम ये सोचते हैं कि क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, ये मेरा आइडिया है, पार्टनर्स है आपके हाँ साथ। तो मैं अपने एक ईगो में आकर उस चीज को फिर ले लेते हैं हम लोग। फिर क्या होता है कि जिन जिन को हम आपस में रिक्रूट करते हैं या उनको साथ में रखते हैं काम के लिए, हम उन्हीं से ही झगड़ा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर मैं देखूं इतने ज़्यादा पार्टनरशिप ब्रेकअप्स होते हैं कि कोई पार्टनर था ये धोखा देके चला गया, ये चला गया, इवन कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज तक, क्योंकि हम एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट नहीं करते या कुछ ना कुछ आपस में अनबन हुई, वो कंपनी आगे फली ही नहीं। So I think, नहीं, different factor ही, आगे factors भी है कि जिसको मैंने बोला relationship, अच्छा, ना, which is entirely different factor कि how you maintain the relationship, है ना। लेकिन यहाँ planning में जो आप बोलते हैं वो यहाँ एक हो सकता है कि भी आप suppose तीन partner है तो कभी अभी तीनों का रोल भी प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं फिर वहां पर वो रोल में कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि भी कौन है वो रिसर्च में लगाएगा अपनी बुद्धि को। कोई हो सकता है पार्टनर वो सिर्फ फाइनेंशियल पार्टनर है, उसको और कुछ ज्यादा पता नहीं है, है ना। तीसरा एक व्यक्ति है कि जिसको उसका टेक्निकल नॉलेज है, समझो इंजीनियरिंग की फील्ड है तो उसको वहां इंजीनियरिंग का नॉलेज है, उसे वह प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ना कितने हमें मशीन्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, और वह रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे फिल्मों में आता ऐसा नहीं भी ये होगा इतने लोग खरीदेंगे तो हमको इतनी कमाई होगी, प्रैक्टिकली जब देखने जाओ आप, और हमें एक प्रकार से जब प्लानिंग ही करते हो ना तब लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों होनी चाहिए। आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो कितने समय में होगा, आप कहीं से मशीनरी इम्पोर्ट कर रहे तो कितने टाइम में होगी ना, फिर वो फंक्शनल कितने समय में होगा, है ना। हमें कुछ हम सोच रहे वैसा न भी हो उसके लिए भी एक कुछ बफर्स रखने पड़ेंगे, जिससे नहीं हुआ तो भी आप ज्यादा उसके अंदर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं तो हम इफेक्ट ना हो उस चीज से ना। अच्छा भाई, एक सोचना ही है कि भी एक नहीं, मैंने अपने जीवन में भी किया, मैं लोगों को भी बताता हूँ कि भी यू एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना भी हो। मैं इसी में आपको मैं बता दूँ, सिंपल इट इज, हर एक का सिंपल सा हो सकता है कि भी मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन एक बार है ना कहीं एक जगह मिल गई कि भी वो फैमिली में ऐसा था और कहा कि भी ये जगह तुमको हम दे रहे हैं, फिर मैंने उसमें छोटे छोटे पॉलीक्लिनिक्स की तरह बनाया और वो चल पड़ा।
तो रियली इट वॉज वेरी गुड ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि हमको काफी इनकम हुई, बहुत सारे बेनिफिट्स हुए उसके। तो फिर उसमें मैंने एक सोचा, और किसी को, हमारे रिलेटिव की छोटी जगह थी वो बेच रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी ले ली जाए, इसमें भी शायद ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं थी, वो भले ले भी ली हमने कहीं से फंड लेकर के भी ली, और वो परंतु वो नहीं चला। तो यू शुड बी रेडी कि भी वो नहीं चला तो भी आई शुड नॉट बी दैट डिस्टर्ब, मतलब फाइनेंशियल मेरे पे बर्डन नहीं आ जाए। वो अल्टीमेटली उसमें फायदा हुआ, लेकिन उस समय तो काफी हमको काफी समय तक सफर करना पड़ा, क्योंकि जो सोचा था उस प्रकार के स्टेप्स नहीं हुए। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, ये सेट ऑफ माइंड होगा ना तो फिर आपको टेंशन भी नहीं आएगा, और जो लाइफ में हमें आगे बढ़ना है ये सिर्फ फाइनेंशियल गेन नहीं है, हमें लाइफ में इमोशनली भी डेवलप होना है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ये तो कि विजडम भी एक्वायर करनी है, क्योंकि हम सन्यासी होके बैठ नहीं सकते। इसलिए हमें वर्ल्ड में, हम समाज में है तो कुछ ना कुछ अच्छा करना है, समाज उपयोगी चीजों को भी करना है, लेकिन साथ साथ हमें विजडम भी एक्वायर नहीं, विजडम एक्वायर करनी चाहिए तब ही फायदा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर लो नहीं, अपने हमने बहुत कुछ कर लिया, सब जो बहुत पैसा कमा लिया, बहुत फेमस हो गए, हमको बहुत अवार्ड मिल गए, लेकिन आपने अगर विस्डम को एक्वायर नहीं किया तो कोई काम का नहीं। मैंने एक चीज जो देखी है, लोग ना बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं ऑफ लॉस। सो कुछ स्टार्ट करना था, स्टार्ट किया नहीं क्योंकि डर इतना था कि अगर हमने स्टार्ट किया और वो वर्क नहीं किया सो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग। सो रिस्क आई फील इज ऑलवेज देयर, इट कैन नेवर बी यू नो रिड्यूस टू जीरो, इट कैन बी अवॉइडेड बट इट कैन नॉट बी जीरो। बट अब अगर जैसे हम इसी के बारे में बात करें कि रिस्क है, हमें पता है रिस्क हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन हम उस फियर को कैसे टैकल करें कि हमें लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है, अंदर से हम करना चाहते हैं लेकिन फियर है कि अगर नहीं चला तो, उस फियर को हम कैसे हैंडल करें इन प्लानिंग। इसमें ना दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक तो जैसे ना कि भी छोटे लोग है बहुत, है ना, और उनको कुछ करना है, दूसरे बहुत बड़े है, आज नहीं जो इंडस्ट्रियल घराने हैं बहुत बड़े बड़े, है ना, जिन्होंने कुछ प्लानिंग करनी है, तो वो दोनों का डिफरेंट हो सकता है। कि भी जो व्यक्ति छोटे से स्टार्ट कर रहा है वो भले कैलकुलेट करे कि अगर पूरा ही नहीं चला, वो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो नहीं हुआ तब भी क्या, है ना, वो माइंड में रखे। उसके लिए उसको थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, बस एकदम वो फास्ट नहीं जा सकता है, लेकिन स्लोली जाए और स्टेप बाय स्टेप उसको स्टेप लेने ही है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे ना तो गेन भी नहीं है, सिर्फ वो कैलकुलेटेड लेना है कि इन केस नहीं हुआ तब भी हमारा लॉस इतना ही है और वो लॉस को हम बेयर कर लेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क होना बहुत जरूरी है। और जो बड़े लोग है, है ना, वह बड़ा रिस्क ले सकते हैं, कि उनको भी मैं तो समझता हूँ कि वो कैलकुलेट करना चाहिए। कहीं जो एग्जाम्पल्स है तभी मैं नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि भी वो बहुत बड़ी समस्या में आ गए, देवर इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन ऐसा कुछ किया कि कैलकुलेट कर नहीं पाए। तो वो अगर वो कुछ लेवल पर अगर वो उनको पता तो चल रहा था कि भी ये लॉस में जा रहा है, तब अगर कैलकुलेट करते ना तो जिसको बोलते ना स्टॉप लॉस, वो शेयर मार्केट में एक फिनोमिनन है कि भी तुम शेयर्स खरीदते हो तो लॉस हो रहा है, लेकिन कहते एक जगह पे तुमको स्टॉप करना है ताकि बस उतना लॉस बस। तो ऐसे ही बिजनेस में भी बहुत बड़ा हो तब भी कुछ लेवल लगाना चाहिए कि इतना ही हम सहन कर पाएंगे, इसके अलावा है फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो अगर मैं इसकी बात करूँगी, ठीक है, प्लानिंग हमने कर ली, हमने रिस्क कैलकुलेट कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमने कहा कि चलो अब हम रिसर्च करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हमें स्ट्रैटेजी भी किस प्रकार की बनानी चाहिए कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नया करना है तो मैं कैसे उस स्ट्रैटेजी को भी बनाऊं कि जैसे फॉर मैं अपना ही चीज़ लेती हूँ, अगर मुझे कुछ करना है आज अपना,
तो मुझे जो हाँ लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ठीक है सो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए भी मुझे मार्केट स्टडी करनी है जगह देखनी है सब कर लिया लेकिन इन दी एंड अब ये आ जाता है कि बिजनेस अगर शुरू हो गया सब कुछ हुआ लेकिन बाय चांस नहीं चला फियर ऑफ नॉट वर्किंग एक तो है कि लॉस एक है कि मतलब बिल्कुल ही इट विल बी लाइक टोटली आई वुड नॉट बी एबल टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही नहीं आएगा तो उस इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी एक्चुअली मेक आर स्ट्रैटेजीज बेटर स्ट्रॉन्गर टू मूव फॉरवर्ड ये जो आप बोल रहे हैं हाँ उसमें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भी आपको कोचिंग स्टार्ट करना है ना तो जो लोग कोचिंग के लिए आएंगे वो अभी कितनी उसकी पॉसिबिलिटीज है ना वो एक है ना और फिर अब उसको कैटर करने वाले कितने हैं अगर वो ऑलरेडी ओवर फ्लडेड हो गया है फॉर एग्जांपल भी क्लासेस जो होते कि भी आपके एरिया में ऑलरेडी समझो कि भी 10 ऐसे क्लासेस है कि जो भी ऑलमोस्ट वहां अभी ये भी एक रिसर्च है जाके देखना भी चाहिए कि भी वो 10 अगर क्लासेस है तो कैसे चल रहे हैं ये हो सकता है कि 2 अच्छे नहीं चल रहे हैं 4 बहुत अच्छे चल रहे हैं तो वो उनकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार है ना परंतु अगर आपने प्लान किया कि इसको हमने ठीक से किया है अगर हम करेंगे तो शायद चलेगा तो देन यू शुड टेक द रिस्क आज नहीं ओबेरॉय होटल्स है ना तो उसके मालिक के लिए कहते कि वो छोटे से आदमी थे और कहीं कोई एक होटल चल नहीं रही थी तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको मैं ले लूं लोगों ने बहुत डराया कि अरे तेरे पास तो पैसा भी नहीं है तू कहीं से लाएगा ये तो होटल तू कैसे चलाएगा लेकिन उन्होंने वो पूरा सोचा इस पे उसकी भी रिसर्च की कि शायद नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको अच्छे से देखभाल नहीं की जाती है वो जो और वहां पर उसका जो माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए उतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है जो कस्टमर है वो डिससैटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने स्टडी की ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सब किया फिर उसको ले ली और खुद भी जाके लोगों को मिलते थे है ना सबको तुमको कैसा है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी ओपिनियन दो ये दो तो थोड़े से समय में वो चल पड़ी तो दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जांपल ऐसा सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखने का और भल उसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचो कि हम जितना ऑप्टिमिस्टिक सोचते ऐसा नहीं हुआ तो भी क्या फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्लासेस की बात करते हैं कि इफ यू हैव फंड्स चाहे तो आप लोन भी ले रहे हैं तो बेस्ट थिंग वुड बी कि आप ओनरशिप की जगह ले लो तो ओनरशिप प्लेस का फायदा यह है कि शायद वहां पर आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन नहीं मिला तो भी जगह का एप्रिसिएशन तो मिलेगा एटलीस्ट जगह की ओनरशिप हो जाएगी हाँ ओनरशिप आपकी होगी और उसकी वैल्यू आपकी बढ़नी है तो दैट इज एडवांटेज सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान कि अगर ये काम नहीं भी करता तो यू शुड नॉट बी डिसहार्टेंड कि बिल्कुल ही यू हैव गॉन इनटू अ लॉस मतलब एक्सट्रीम ऐसा नहीं कि भी मुझे सब कुछ बेचना पड़ेगा ऐसी मेरी नौबत ऐसी नहीं आनी चाहिए ऐसा कुछ मेरा घर बेचना पड़ेगा सब कुछ मेरे बेचना पड़ेगा ऐसी नौबत नहीं आने वाली है और आपने इफ यू आर स्मॉल पर्सन देन आई वुड से स्टार्ट स्मॉल हम सोचते कि नहीं अब तो हम सीधा बड़ा ही करेंगे अब हम बड़ी ऐसा नहीं इफ यू आर अ स्मॉल पर्सन जैसे अभी जियो जो आया तो बिकॉज दे आर बिग पीपल तो दे थॉट इन अ बिग वे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है लोगों को लग रहा था कि क्या करेगा बट दे हैड कैलकुलेटेड वो सारी उनकी स्ट्रेटेजिक रिसर्च थी उसमें अगर 10% नहीं है अगर 10% पॉपुलेशन हमारा फोन खरीदेगा इंडिया में तो क्या होगा इसलिए उन्होंने फ्री दिया तो भी अल्टीमेटली कमाए ना एक साल ही लॉस गया नेक्स्ट ईयर दे स्टार्टेड अर्निंग राइट बिकॉज़ दे हैड दैट रिसोर्सेस आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है तो भले स्मॉल वे में स्टार्ट करो परंतु स्टेप बाय स्टेप आगे सर जाने का सोचो और अभी आजकल तो क्या है नाउ देयर इज अ फ्रेंचाइज आल्सो नो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोचिंग क्लास की बात करते हैं कि इफ यू आर अ गुड टीचर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है
एक दो और भी आपके कुछ फ्रेंड्स है कि हु आर ऑल्सो गुड, हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू. आपको लगता है कि भी स्टूडेंट्स भी इस इलाके में प्राप्त करना कुछ मुश्किल नहीं है. और फिर स्मॉल वे में आप स्टार्ट करो, अच्छा एक इमेज क्रिएट करो और फिर उतना फ्रेंचाइज के लिए भी कोशिश करो तो लोग आ जाएंगे. ओनली थिंग फिर उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि भी मेरे पास जगह है तो इतना तो मुझे कुछ मिलना चाहिए. इफ यू आर बिट कॉन्फिडेंट तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अपनी जगह दे देंगे. और एक के साथ आपको चेन ऑफ क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज और जो मुझे लास्ट लगती है कि जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग करी, स्ट्रेटजाइजिंग करी, लेकिन कई बार क्या होता है, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. एक प्रॉफिट हुआ साल, नेक्स्ट ईयर लॉस हुआ. अब जब लॉस हुआ तो इतने डीमोटिवेट हो गए कि आगे करने का ही काम मन नहीं करा, वो काम बंद कर दिया क्योंकि वो एक साल का या एक पीरियड आया जिसमें द रोड वॉज नॉट वेरी रोजी. तो आपको लगा कि नहीं, अब आई कैन नॉट फंक्शन लाइक दिस, मेरा लॉस हो चुका है. सो उस केस में अपने आप को आप अपलिफ्ट कब कर, कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेट करना है कि सपोज एक साल में इतना प्रॉफिट हुआ, अभी नेक्स्ट साल नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर होगा, हम अपनी स्ट्रेटेजी प्रॉपर डेवलप करेंगे. तो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई चीजें आप सीखते हैं जब करते हैं. ऐसे ना टेबल पे बैठ के हम सीख नहीं सकते, किताबें पढ़ के सीख नहीं सकते, है ना. और वो करते करते ना आपको कुछ नया आइडिया भी आ जाएगा. वो करने में आपको एक नया आइडिया कुछ आ सकता है कि इसके बदले ऐसा किया जाए तो अच्छा है. और वो सक्सेसफुल हो जाएगा. तो अगर वो थोड़ा सा लॉस एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है कि आपको सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना है और आप भी रेडी है कि भी मैं इनोवेशन करूंगा, मैं अपने आप को चेंज करूंगा, तो डोंट वरी एट ऑल. थैंक यू सो मच भाई जी. आई थिंक हमने जो आज स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के ऊपर बात करी, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें भी समझी कि स्वॉट एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देख सकें. दैट इज़ आल्सो स्ट्रेटेजिक. हाँ, कि हमारी एक्चुअली में मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं. सो आई थिंक ये काफ़ी काम आएगा जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर कई बार हम ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करने में भी कई चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. दर्शकों, आज हमने बात करी कि सक्सेस में स्ट्रैटेजिक रिसर्च, प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही साथ थ्रेट्स को भी कैलकुलेट करके चलना. इसी बारे में और हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में. हमारे साथ बने रहिए. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 8094913487.